जिनकी भी हम पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, उसके पहले उनका ही, जिन देवों की पूजा करते हो, घर में किसी को इष्ट बनाया है तो उस पूजा के पहले उनके कवच का पाठ करके ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि दूसरे देवता उसमें विघ्न करने आते हैं। उन देवताओं की रक्षा के साथ जब पूजा करेंगे तो वो कार्य सिद्ध होगा। महालक्ष्म्या प्रवक्ष्यामि कवचम सर्वकामदम् सर्वपाप प्रशमनम् दुष्टव्याधि विनाशनम्। महालक्ष्मी का ये कवच सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सर्व पापों का नाश करने वाला है, दुष्ट व्याधि रोगों का शमन करने वाला है। ग्रह पीड़ा प्रशमनम ग्रहारिष्ट प्रबंजनम दुष्टम मृत्यु प्रशमनम दुष्ट दारिद्र्य नाशनम। ग्रह पीड़ाओं को, नव ग्रहों की कोई भी पीड़ा हो, इस कवच पाठ को करने से नवों ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो और किसी ग्रह का दुष्ट दृष्टि हम पर पड़ता हो तो वो दृष्टि का शमन हो और अपमृत्यु लिखा हो, एक्सीडेंट में मरना, आग लगा के मरना, फांसी खा के मरना, दुष्टम मृत्यु प्रशमनम, इसको कोई सुनता है तो उसका अकाल मौत नहीं मारता है, वो बड़ा ही दीर्घायु बन के पूर्ण आयु बन जाता है। दुष्ट दारिद्र्य नाशनम, कोई दरिद्रता हो, आप में कई लोगों को दरिद्रता सताती रहती है, कितना भी मेहनत करो ना दरिद्र ही रहते हैं, ये दरिद्रता का नाश भी इस कवच से होता है। और किसी भी पूजा को शुरू करो उसके पहले उन देवताओं का कवच करना चाहिए जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। आज हम किनकी पूजा कर रहे हैं, किनकी? कुबेर महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी का ये कवच अनिवार्य है, करने जैसा है। कैसा है? तो अब इसको पुत्र पौत्र प्रजननम विवाह प्रदम इष्टदम। पुत्र पौत्र देने वाला, अपनी इच्छा अनुसार विवाह कराने वाला, ऐसा नहीं, विवाह प्रदम इष्टदम, अपने इच्छा अनुसार उचित स्थान में विवाह कराने वाला। चोरारिहारी च जगताम अकिलेप्सित कल्पकम। चोरी ना हो उस घर में जहां ये कवच का पाठ किया जाता है। चोरारिहारी यानी उस घर में कभी कोई चोर घुस के धन नहीं ले जाता, वहां लक्ष्मी उस धन की रक्षा करती है। सावधान मना भूत्वा श्रुणुत्मं सुख सत्तम अनेक जन्म सिद्धि लभ्यं मुक्ति फल प्रदम धन धान्य महाराज्य सर्व सौभाग्यदायकम सत्कृत स्मरण मात्रेन महालक्ष्मी प्रसीदते। क्षीराब्धि मध्ये पद्मानां कानने मणिमंडपे। क्षीर सागर के मध्य में देवी कहाँ रहती है? क्षीर समुद्र के मध्य में विशाल पद्म वन में, कमल पुष्पों का बहुत बड़ा वन खिला हो, उसमें मणि मंडप में जो रत्न सिंहासन पर विराजमान है, ऐसी माँ जिसकी मनीषी नाम सेविताम, जो पंडित विद्वत जन सेवा करते खड़े होते हो, रत्न सिंहासने दिव्ये तन्मध्ये सुस्थिताम देवी मनीषा जन सेविताम सुस्नादाम पुष्प सुरभि कुटिलालप कंदकाम पूर्णेन्दु बिंब बदनाम अर्ध चंद्राल लाटिकाम। ललाट पर जिनका आधा चांद खिला हो ऐसी लक्ष्मी, अर्धचंद्रा ललाटिकाम, ललाट याने क्या है, भगवती ललाट पर जो रत्न मुकुट धारण की है उस मुकुट पर आधा चांद खड़े हो करके सुशोभित हो रहा, ऐसे चंद्र बदना महामाया। इंदी बरेक्षणाम काम को दंड ब्रुवमीश्वरीं तिल प्रसव संवर्ति नासिकालंकृताम श्रियम कुंदकुट्मलंदालयं बंदूकादर पल्लवां तर्पणाकार विमल बोलद्विदयोज्ज्वलां रत्नताटंग स्थलित कर्णद्विदय सुंदरां मांगल्यापरणो भेदां कंबुकंठीं जगत्प्रियां
हस्तारहारी मनोहारी कुचकुंभ विमूचिताम रत्नांगादि ललिकर्पणसुष्ट्यां कमलेश सुभद्राढ्ये ह्यभयं ददतिं रोमराजि कलाचारुभुग्नभविदलोदरीं भक्तवस्त्रलसत्मुद्रासुतन्निभाति लक्षणां काञ्चनस्तम्भ विभ्राज भरजानूरु शोभितां स्मरकालिका गर्भहारी जङ्गां हरिप्रियां कमटीपृष्टशत्रुजबादाब्जां चन्द्रसन्निभां पङ्कजोदरलावण्यसुन्दराङ्ग्रारिदं श्रियं सर्वाभरणसंयुक्तां सर्वलक्षणलक्षितां पीतामहमहाप्रीतां नित्यतृप्तां हरिप्रियां नित्यं कारुण्यललितां कस्तूरीलेपिकाङ्गितां सर्वमन्त्रमयीं लक्ष्मीं श्रुतिशास्त्रस्वरूपिणीं परब्रह्ममयां देवीं पद्मनाभकुटुम्बिनीं एवं ध्यात्वा महालक्ष्मीं पठेत् तत्कवचं परम् एकं न्यच्छन्ति नक्षितमं परमं साङ्कुञ्च्य पदाम्बुजं मध्ये विष्टपुण्डरीकमभयं विन्यस्तहस्तुबाम्बुजं त्वां यक्ष्येम निश्चेतु क्षीमनूकलङ्गारुण्यलङ्कारस्पाराङ्गभाङ्गतरङ्गमम्बमधुरं मुक्तं मुखं विभ्रतिम्। महालक्ष्मी के महिमा का हमने ज्ञान लिया, अब महालक्ष्मी का शरीर में कवच करेंगे। कैसे? महालक्ष्मी सिरह पातु, मेरे सिर का महालक्ष्मी रक्षा करें। ललाटम मम पंकजा, पंकजा देवी लक्ष्मी रूपिणी मेरे ललाट का रक्षण करें। कर्णे रक्षद्रमा पातु नयने नलिनायया नासिकामबदादम्बावासंबाग्रूपिणी मम तन्नामवतु जिह्वां श्रीरतोष्टं हरिप्रिया, होंठ का हरिप्रिया रक्षा करें। नासिका वदादम्बा रक्षा करें, जिह्वा का भगवती महालक्ष्मी रक्षा करें। चुपुकं पातु वरदा कलं गन्धर्वसेविता वक्षः कुक्षिं करोपायं भ्रष्टमव्याद्रमाश्वयं कटिमूरुद्वयं जानुजङ्गं पातु रमा मम सर्वांगमिन्द्रियं प्राणान् पायादायासहारिणी। सप्तदा, शरीर में सप्त धातु है। कितने धातु हैं? एक धातु भी बिगड़ जावे ने कैंसर आवे, टीबी आवे, विभिन्न बीमारी आवे। माँ महालक्ष्मी धन मात्र नहीं देती, इस कवच से आरोग्य का भी रक्षा करती है। उस माँ को कहते हैं कि माँ मेरे खून का, किसका? रक्तम शुक्लम, मेरे वीर्य का, मेरे सप्त धातुओं का, मेरे ज्ञान का, मेरी बुद्धि का, मेरे उत्साह का सदा तू रक्षा करना पंकजवासिनी महालक्ष्मी। ऐसा बोल के सप्तदा तुन स्वयं चापि रक्तम शुक्लम मनो नमः ज्ञानम बुद्धिम महोत्साहम सर्वम मे पातु पंकजा मया कृतम च यत्किंचित तत्सर्वम पातु सेंदिरा ममायुरवदत् लक्ष्मी भार्याम पुत्राम च पुत्रिका मित्राणि पातु। देखो कितना सुंदर कवच है, दुनिया में एक ही कवच है। इस कवच में कहा जाता है कि मेरी भार्या का, मेरी पत्नी की रक्षा करना, पुत्राम च पुत्रों का रक्षा करना, पुत्री का रक्षा करना, मित्राणी, ऐसा कोई कवच हो तो मात्र लक्ष्मी कवच है। अपने दोस्तों की भी रक्षा की कामना इस कवच में की जाती है, पड़ोसियों की कामना। मित्राणि पातु सततम अखिलानि हरि प्रिया पातकम नाशयेत् लक्ष्मी महारिष्टम हरेत्रमा ममारिनाशनार्थाय माया मृत्युं जयेत् बलम सर्वाभीष्टम तु मे दद्यात् पातु मां कमलायलया। मेरे सर्व अरिष्टों का नाश करके, मेरे मृत्यु को विजय करके मैं अमृतमयी आयु, आयुष और दीर्घ आयु प्राप्त करूं, ऐसी रक्षा करो माँ। और मेरी हर इष्ट को, सर्वाभीष्टम तुम्हें दद्यात् पातु माम कमलालया, मेरे हर इष्ट को पूरा करो माँ कमलावती। हे महालक्ष्मी धनदात्री माँ मेरी रक्षा करो। यदम कवचम दिव्यम रमाया प्रयतः पटेत सर्व सिद्धिमवाप्नोति सर्व रक्षान्तु शाश्वतीं दीर्घायुष्मान् भवेन्नित्यं सर्व सौभाग्य कल्पकं सर्वज्ञ सर्वदर्शी
सुखदश्च सुभोज्वल सुपुत्रो गोपति श्रीमान् भविष्यति न संशय तद्गृहे न भवेत् ब्रह्मण् दारिद्र्यतुरितीरिकादिकम् नाग्निनादह्यत्येतम् न चोराद्यैश्च पीड्यते भूत प्रेत पिशाचाद्या संद्रस्ता याति दूरत लिखित्वा स्थापयेत् यत्र तत्र सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् नापमृत्युमवाप्नोति देहान्ते मुक्तिमाग् भवेत् आयुष्यम् पौष्टिकम् वेद्यम् धान्यम् तु स्वप्ननाशनम् प्रज्ञाकरम् पवित्रम् चतुर्भिक्षाग्निविनाशनम् सिद्धप्रसाद जननम् महामृत्युप्रशान्तितम् महारोगज्वरहरम् ब्रह्महत्यादिशोदतम् महातनप्रदम् सैव पठितव्यम् सुकार्दिभिः धनार्थी धनमाप्नोति विवाहार्थि लभेद्वधूम् विद्यार्थि लभते विद्याम् पुत्रार्थि गुणवत्सुकम् राज्यार्थि राज्यमाप्नोति सत्यमुक्तम् मया सुखम् एतद्देव्या प्रसादेन सुखकवचमाप्तवत् कवचानुग्रहणैव सर्वान् कामानवापवश सर्वलक्षणसम्पन्नाम् लक्ष्मीम् सर्वसर्वे सुरेश्वरीम् प्रपद्ये शरणम् देवीम् पद्मभद्राक्षवल्लभाम् ॐ ह्रीं क्लीं सौः श्रियै नमः महालक्ष्मी रक्षतो प्रकृति रक्षतो हरिप्रिया रक्षतो रमादेवी रक्षतो कमलवासिनी रक्षतो पद्माक्षी रक्षतो पद्मप्रिया रक्षतो ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।